राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में 3 से 9 सितंबर तक होगी भारी बारिश, सामान्य से ज्यादा रहेगा आंकड़ा। राजस्थान में मानसून का तीसरा चरण 30 अगस्त से शुरू होगा जो कि 10 सितंबर तक जारी रह सकता है। इसमें भी 3 से 9 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में यहां पर भारी बारिश होगी। वे मौसम विभाग की माने तो इस दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी, जबकि 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम रह सकता है। वही मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 अगस्त से 2 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और यहां पर उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में तेज बारिश होगी। इधर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी, जबकि जोधपुर संभाग में केवल छटपुट व एक दो स्थानों पर हल्की बारिश ही हो सकेगी। इस दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही सितंबर के दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो 3 से 9 सितंबर तक सामान्य से अधिक बारिश रहने की यहाँ पर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस मानसून में अब तक सामान्य से 9% बारिश दर्ज की जा चुकी है। कम क्योंकि राजस्थान में जैसे जैसे मानसून चुका यहाँ पर चल रहा है राजस्थान के अंदर, वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब 9% कम बारिश दर्ज की गई है अब तक। वही पिछले मानसून के सामान्य बारिश से आगे यहाँ पर चल रहा है। वही पूर्वी राजस्थान में भी सामान्य बारिश के आंकड़े 1% पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भी अब आंकड़े पीछे हो गए हैं क्योंकि पहले यहाँ पर कोटा और बारा में अच्छी बारिश यहाँ पर कोटा संभाग में हुई थी, जिसे सामान्य से 6-7% यहाँ पर ज्यादा चला गया था आंकड़ा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में यहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण यह आंकड़ा लगातार नीचे जा रहा है। अब 1% कम यहाँ पर हो गया है पूर्वी राजस्थान में, जबकि पश्चिमी राजस्थान में यह आंकड़ा 22% पीछे चल रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान में अब तक 22% कम बारिश हुई है। वह राजस्थान के जिलों में बारिश के आंकड़ों की बात करें तो सामान्य से -67% के साथ सिरोही में सबसे कम बारिश इस बार दर्ज की गई है। यानी राजस्थान का सिरोही जिला सबसे यहाँ पर सबसे कम बारिश इस जिले में ही दर्ज की गई है। सामान्य बारिश का आंकड़ा यहाँ पर 761.2 mm है, अभी तक मात्र 227.6 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इधर सामान्य से 60% आगे चल रहा है बारा में, प्रदेश में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। यानी बारा में अब तक सामान्य से 60% अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। वही ये सामान्य बारिश का आंकड़ा यहाँ पर 722 mm है। इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश के अन्य यहाँ पर जिलों में भी यहाँ पर बारिश का यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर अच्छा दर्ज हुआ। यानी यहाँ पर अभी 937 यहाँ पर टोटल है, इसमें यहाँ पर बारिश दर्ज हो चुकी है अब तक पूर्वी राजस्थान के। वही प्रदेश में भद्र मास में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश बाढ़ के बाद गर्मी का सितम अब जारी है। वही आगामी 3-4 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वह जयपुर में भी मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर की जा रही है। यहाँ भी पारा 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। सर्वाधिक तापमान श्री गंगानगर का 42 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया। वही सितंबर के पहले सप्ताह में एक बार फिर मेघ यहाँ पर बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद के साथ विभिन्न तंत्रों के सक्रिय होने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि सितंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में बारिश का दौर शुरू होगा। वही जुलाई माह के अंतिम सप्ताह और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक राजस्थान में भारी बारिश का दौर रहा था। इससे तापमान में यहाँ पर गिरावट राजस्थान में दर्ज की गई थी, लेकिन बीते यहाँ पर 12-13 दिनों से प्रदेश में लगातार यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसम बिल्कुल शुष्क यहाँ पर बना हुआ है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक 325 mm बारिश दर्ज की जा रही थी, लेकिन इसके बदले अब तक राजस्थान में 304 mm ही बारिश दर्ज यहाँ पर की गई है। ये बारिश यहाँ पर 12% कम है। वही पूर्वी राजस्थान में 9% कम है। वही पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर 467 mm बारिश दर्ज की जानी थी, जिसमें यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अभी तक यहाँ पर 1% यहाँ पर इस बार कम बारिश यहाँ पर हुई है। वही लगातार बारिश का जो आंकड़ा है वो पश्चिम राजस्थान में भी इस बार बहुत सारे जिले जो है वो पश्चिम राजस्थान के सूखे रहे हैं। यहाँ भी 211 की जगह 167 mm यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से यहाँ पर 22% कम है। ज़्यादातर जिलों में इस बार औसत से कम बारिश मरुस्थल यानी पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में यहाँ पर कम बारिश दर्ज की गई थी, जिसके कारण जो पश्चिमी राजस्थान के कई जिले हैं वो लगातार प्यासे यहाँ पर है। बारिश कम होने के कारण लोग भी यहाँ पर लगातार परेशान हैं। वही प्रदेश के शेखावटी इलाके में पिछले सप्ताह के अंत में हुई बरसात के बाद शेखावटी में गर्मी के तेवर फिर तीखा यहाँ पर शुरू हो गए हैं, मतलब तीखे यहाँ पर हो गए हैं। वही बरसात के बाद 31 डिग्री तक पहुँचा अधिकतम तापमान फतेहपुर में, 4 दिन में ही यहाँ पर 35 डिग्री तक पहुँच गया है। वही हवा में नमी के कारण उमस भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर गर्मी से परेशान हैं। इधर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 दिन मानसून सक्रिय होने की संभावना यहाँ पर अगले यहाँ पर 3 दिन तक तो नहीं है, हालांकि
बंगाल की खाड़ी में बन रहे परिसंचर तंत्र के बाद यहाँ पर 30 अगस्त के आसपास यहाँ पर बारिश की तेजी फिर शुरू होने की यहाँ पर आसार है। वहीं स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूर्वी और मध्य और उत्तरी हिस्सों में यहाँ पर बारिश के अच्छे आसार यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी इन इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वह जल्द ही मानसून की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी। वह रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 27 अगस्त को उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक नया चक्रवर्ती परिसंचर तंत्र बनने की संभावना है। यह विशेषता वातावरण के मध्यम स्तर में यहाँ पर दिखाई देगी और बाद में 24 घंटों में इस सतह पर आ जाएगी। वहीं 29 अगस्त को पश्चिमी और मध्य और तटीय उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। वहीं मानसून की ट्रफ के दक्षिण की ओर यहाँ पर गिरने की संभावना है, जिससे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तीव्र मौसम गतिविधियां बंद यहाँ पर जो तीव्र बारिश की गतिविधियां वो बंद हो जाएगी। वहीं 28 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में बारिश के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर पूरी पूरी है। वह 28 और 29 अगस्त को बेल्ट, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश आगे बढ़ेगी। बाद में राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में सक्रिय मानसून की स्थिति होने की संभावना है। वह स्काईमेट वेदर के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर स्काईमेट वेदर ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। देश के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना स्काईमेट वेदर ने जताई है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आज देश के सिक्किम, उपमानी पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में और बिहार के कुछ हिस्सों में वे पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। वही शेष पूर्वोत्तर भारत और हिमालय के यहाँ पर जो हिमाचल का प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर झारखंड और गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और तेलंगाना के कुछ हिस्से और रॉयल सीमा और कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप राज्य के अंदर यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वह मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है, जो पहले से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही राजस्थान में जो बारिश का आंकड़ा है वो अभी यहाँ पर पीछे चल रहा है, यानी राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश, यहाँ पर लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सामान्य से 9% यहाँ पर कम बारिश इस बार हुई है। वह मौसम विभाग यानी IMD ने अपने बयान में बताया कि हिमालय के तलहटी के नज़दीक यहाँ पर मानसून है। वह यहाँ पर आज यहाँ पर इसके में बदलाव होगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक जैनामणि ने बताया है कि क्षेत्र में भी मानसून कमजोर है। उन्होंने कहा कि अगर मानसून हिमालय के तलहटी से करीब स्थानांतरण होता है तो वह लगातार 2 दिन बना रहता है। उसे ब्रेक मानसून का सिस्टम कहते हैं और ये यहाँ पर आज आगे बढ़ने की यहाँ पर संभावना है, मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वह स्काईमेट वेदर के बाद मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि 27 अगस्त आज उत्तर पश्चिमी और सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना है। वही इसके 29 अगस्त तक पश्चिमी मानसून के कम दबाव के क्षेत्र में खिंचने की संभावना है, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जो अगस्त महीना है इसके अंत में बारिश की संभावना है।